हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ। तो जो मैं सब्जी बोई थी, जो हमारे पास में घर है, तो वहीं से मैं ये टमाटर लेके आई हूँ। और हरी मिर्ची तो मेरे पास रखी थी, हरी मिर्ची वहाँ नहीं हुई हैं, सिर्फ ये टमाटर लेके आई हूँ। और बस थोड़े से जो हैं वहाँ पे जो लौकी होती है वो हुई हैं। तो लौकी की हमने बहुत सारी जो हैं सब्जियां बना दी हैं, तो वो हमने पड़ोस में दे दी हैं। और यहाँ पे मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ हरी मिर्ची और टमाटर। तो ये जो कच्चे टमाटर होते हैं इनकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो बस यहाँ पे मैं लहसुन जो है वो कूट लेती हूँ और अभी मैं सब्जी बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ जैसे कि आप देखते हैं लहसुन बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो सबसे पहले मैंने लहसुन फ्राई किया है और उसके बाद जो कटे हुए टमाटर और हरी मिर्ची थी वो मैंने ऐड कर दी है। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। बस ये तीन चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी। बिल्कुल सिंपल खाना जो है, ये सब्जी जो है बना रही हूँ, तो बस इसमें और कोई भी मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी। ऐसे ना ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है और ये देसी टमाटर है तो बहुत ही अच्छी बनती है, खट्टी मीठी। तो बस सब्ज़ी जो है बन गई है, तो मैंने बर्तन में निकाल दी हैं। और यहाँ पे आज मैं अभी आ गई हूँ मारवाड़ जंक्शन, मुझे कुछ काम था मारवाड़, मेरे कोई बैंक का खाते का कोई काम था तो उसी कारण से मुझे साथ में आना पड़ा। तो यहाँ पे जो है ये जो अंकल मिर्ची वड़े निकाल रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, बिल्कुल जोधपुर जैसा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे जो है ये गर्मा गर्म निकाल रहे हैं तो हम लेके जाएंगे और बच्चों के लिए, और एक मैं यहाँ पे गर्मा गर्म खा लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है अभी ये मिर्ची वड़े निकाल रहे हैं, तो जब तक कि ये निकाल रहे हैं गर्मा गर्म तो हम वेट कर रहे हैं। दुकान छोटी है पर इनके क्या है, जितना भी गर्म गर्म होते हैं, जितने इनके कस्टमर होते हैं उतना ही ये गर्मा गर्म जो है मिर्ची वड़े कचौरी निकालते हैं और बहुत ही टेस्टी निकालते हैं। छोटी दुकान है पर बहुत ही जो है अच्छा टेस्ट है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि ऊँची दुकानें और फीके पकवान, उसी तरह की बात है। जितनी दुकान अच्छी होती है वहाँ का खाना इतना टेस्टी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ और अभी मैं आ गई हूँ घर। अभी शाम का टाइम है और कपड़े जो हैं वो सूख गए हैं, तो इनको मैं यहाँ से ले लिए हैं और यहाँ बैठे बैठे समेट लूँगी। और जो दीपावली में हम गन्ना रखते हैं लक्ष्मी जी के पास में, उसी को हम बच्चों को काट के दे रहे हैं तो वो खाते हैं। तो बस ये जितना भी गन्ना है मैं कटिंग करके रख दूँगी तो बच्चे खा लेंगे साथ में। और ये ना बहुत मीठा होता है तो उसके कारण से चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा कट किया है तो मैं खा लूँगी, उसके बाद जो है वीना कुसुम वो खा लेगी। तो बस यहाँ पे जो है गन्ने खा रही हूँ मैं, बहुत ही मीठे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे कपड़े समेट के लेके जाऊँगी नीचे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी जो कचरा है वो मैं सीधा बाल्टी में ही ले रही हूँ, जैसे कि इसमें ना बहुत ही कीड़े मकोड़े लग जाते हैं कचरे में, जल्दी ही मैं खा के बाहर फेंक दूंगी। तो बस यही कारण है गन्ने खाने का, खाना बहुत मुश्किल है, लगता टेस्टी है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे हम प्रसाद बाहर नहीं फेंकते हैं, हम खाने में यूज कर लेते हैं। और अभी शाम हो रही है तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं और अभी चावल जो है वो बॉईल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो खिचड़ी है बनाएगी कुसुम, तो कुसुम अपनी पसंद की बनाती है हमेशा ही,
तो बस यहाँ पे चावल मैंने बॉईल करके रख दिए हैं और ये कट करके रख दिए हैं, आलू प्याज और टमाटर हरी मिर्ची। तो बस यहाँ पे जो है मैं एक दो पापड़ सेक लेती हूँ और फिर जो है कुसुम बनाएगी खिचड़ी शाम के खाने में। तो हमेशा तो हम खिचड़ी के साथ कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी खिचड़ी खाते हैं, पर अभी क्या है बाज़ार से अभी मैं नमकीन लेके आई थी और आज पेट सबका फुल है तो उतना खाने का मन नहीं है। तो बस सिर्फ जो है ये अपनी पसंद की खिचड़ी बना रही हैं। तो बस यहाँ पे कुसुम बना रही है शाम के खाने में खिचड़ी, और मैंने जो अपना काम है वो कर लिया है, बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं और किचन में साफ सफाई वो मेरी है तो मैं कर लेती हूँ, बच्चों से अच्छे से होती नहीं है। तो बस जो मैं बनाती हूँ वो बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो बस उसी कारण से जो है कुसुम खुद बना रही हैं। बच्चों का टेस्ट अलग होता है और बड़ों का अलग होता है, तो जैसे बच्चों को पसंद है वैसे ही बनाओ। चावल मैंने बॉईल कर दिए थे और यहाँ पे कुसुम ने पहले जो है तेल में फ्राई किए टमाटर हरी मिर्ची और वो सब मसाले। फ्राई करने के बाद अच्छे से मसाला पकने के बाद वो चावल ऐड कर रही है और अच्छे से मिक्स कर देगी चावल को और मसाले को। उसके बाद थोड़ा टाइम और चलाएगी और अच्छे से जो है खिचड़ी बन जाएगी। तो बस ऐसे जो है कुसुम बना रही है और मैं ना सब साथ में ही बनाती हूँ, इतना झंझट नहीं करती हूँ। पहले सब मसाले फ्राई करके उसमें ही पानी डाल देती हूँ और उसके बाद जो है चावल कच्चे ही धो के डाल देती हूँ। तो बस अच्छे से सीटी लगा देती हूँ कुकर में और अच्छे से बन जाते हैं। तो ऐसे ना कुसुम को पसंद नहीं है तो वो अपने तरीके से जो है बना लिया है। तो यहाँ पे चावल जो है अच्छे से बन गए हैं और अभी यहाँ पे इसने धनिया पत्ती डाल दी है और अभी थोड़ा सा और चलाएगी और उसके बाद जो है खिचड़ी हमारी रेडी है। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी पक गई है, बहुत अच्छी बनी है। तो बस ये है हमारे शाम का खाना, हमेशा इसके साथ मैं जो है कढ़ी बनाती हूँ, आज कुसुम ने नहीं बनाई है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।